करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से हमारे पास पहुंची है। लखीमपुर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पत्रकारों पर भड़क उठे। पत्रकारों ने दरअसल उनके बेटे से संबंधित सवाल पूछा था। एसआईटी जांच पर पत्रकार के सवाल से मंत्री टेनी ऐसे भड़के कि पत्रकारों से बदतमीजी करने लगे, बदसलूकी करने लगे, यहां तक कि हाथ उठाने की भी कोशिश की। पत्रकारों से बोले कि दिमाग खराब हो चुका है आप लोगों का। अजय टेनी ने पत्रकारों से बदसलूकी की, बदसलूकी का ये वीडियो इसके बाद तुरंत वायरल हो रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, इनके सुपुत्र पर लखीमपुर खीरी कांड के मामले में, किसानों पर से की हत्या संबंधित कई और मामले हैं। हाल ही में एसआईटी ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा किया था कि उस मामले में गैर इरादतन नहीं बल्कि इरादतन साजिश के तहत हत्या की कोशिश का मामला था, जिसके तहत कई धाराएं और बढ़ाई गई थी। इसी संबंध में जब उनसे सवाल की करने की कोशिश पत्रकारों ने की तो पत्रकारों पर भड़क उठे और पत्रकारों को ही उलझुल बातें भी कही, उसके अलावा उन पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, उनका मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, धक्का मुक्का करने की भी कोशिश की। एक बार आपको सुनाते हैं। बहुत धाराएं लग गई हैं, पर क्या काम के बारे में बात कर रही है? धाराओं के बारे में नहीं। मीडिया वालों से बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, हाथ उठाने की कोशिश भी की गई और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, बे इस तरह से पत्रकारों से मुखातिब हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। सवाल सीधा सा था, एसआईटी के संदर्भ में जो कुछ जांचें आगे बढ़ रही, एसआईटी ने जो बड़ा खुलासा किया है इनके सुपुत्र जी को लेकर, उस पर सवाल इनसे पूछना चाह रहे थे और ये उस सवाल पर भड़क गए और पूछे कि क्या ऐसा सवाल कोई करता है। राजेश शुक्ल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राजेश, सवाल पत्रकार दरअसल जगह जगह पर जाकर लखीमपुर खीरी कांड से जुड़े मामले में इनके बेटे से ही जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं, कमोवेश आज भी यहां पर इसी तरह का सवाल पूछा गया, लेकिन टेनी जो है गृह राज्य मंत्री वो पत्रकारों पर ही भड़क गए, क्या कुछ नजारा आपने देखा वहां पर? जी बिल्कुल, जब ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल वॉयल में उद्घाटन के ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन करने के पहुंचे तो पत्रकारों ने वहां इनसे ये सवाल किया कि सर एक बात बताना चाहेंगे, आपके बेटे के ऊपर जो एसआईटी ने धाराएं बढ़ा दी हैं उनके बारे में आपका कहना। इतना बात, ये बात सुनते ही अजय मिश्र टेनी जो थे वो पत्रकारों पर भड़क गए, धक्का मुक्की करने लगे, उल्टी सीधी गालियां दी। जी राजेश, इसके बाद क्या उस कुछ और प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से? और जाहिर सी बात है कि पत्रकारों में भी इसके बाद गुस्सा है, रोष है कि इस तरह का व्यवहार पत्रकारों के साथ में किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी खींच उतारने की कोशिश पत्रकारों के ऊपर उन्होंने की है, क्या इसके बाद दोनों तरफ से कोई रिएक्शन? पत्रकारों में इस बात को लेकर काफी रोष है। पत्रकार इसके लिए सीधे तौर पर मंत्री जी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके की बयानबाजी मंत्री जी ने की है कि पत्रकारों के ऊपर उन्होंने लगाया कि पत्रकारों की वजह से ही एक निर्दोष व्यक्ति जेल गया है, जबकि ये तो एसआईटी जांच में आया है कि इनके बेटे जो अजय मिश्र टेनी थे, अजय मिश्र टेनी जी के बेटे जो थे आशीष मिश्र, उनके ऊपर जो भी आरोप सिद्ध हो रहे हैं वो एसआईटी की तरफ से आए हैं, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के ऊपर एक पूरा दोषा ऊपर करते हुए कहा कि मीडिया ने ही निर्दोष को फंसाया है। चलिए राजेश, अब बने रहिए इस वक्त हमारे साथ में उमाशंकर पांडे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। उमाशंकर जी, आईएनएच और जनता टीवी पर स्वागत है आपका। और दरअसल एक स्क्रीन पर हम एक रिएक्शन जानना चाह रहे हैं आपसे। अजय मिश्र टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पत्रकारों ने इनसे इनके सुपुत्र से संबंधित सवाल पूछा कि एसआईटी ने जो नया खुलासा किया है उस पर रिएक्शन देने के बजाय पत्रकारों पर भड़क उठे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या इस तरह?
से तमाम चीजें करने की कोशिश की, यहां तक कि हाथापाई करने की कोशिश भी की, क्या कहेंगे उमाशंकर जी? देखिए निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पत्रकार जो चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है और शर्मनाक है। और ये शर्मनाक उस स्थिति में और भी ज्यादा हो जाता है जब अजय मिश्रा टेनी देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था के पालन कराने की जिम्मेदारी है और उसके लिए कानून बनाने की भी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में आज जिस स्थिति में वो स्वयं पहुंच गए हैं और अपने बेटे को उन्होंने पहुंचा दिया है, ये यही तानाशाही पूर्ण रवैया, ये गुंडागर्दी की भाषा, ये सड़क छाप गुंडों की तरीके से व्यवहार करना, ये जो उनके संस्कार है, इन्हीं संस्कारों ने आज उनको और उनके परिवार को, उनके बेटे को और उनके बेटे के दोस्तों को शिकंजे के पीछे पहुंचा दिया है। जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए उन्होंने किसानों के ऊपर साजिश रचकर ये गाड़ियां चढ़ाई गई हैं उनकी गाड़ी से, वो निश्चित रूप से यही सब रवैया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जरूर अब उनको बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरीके से SIT ने रिपोर्ट दाखिल की है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उन्हें उनकी साजिश और उनके बेटे की साजिश का ये नतीजा था लखीमपुर का किसान नरसंहार कांड। ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री जी मंचों पर उनको अपने बगल में खड़े करने के बजाय उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएं, तब उनकी नैतिकता की बात होगी। बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, राम राज्य से लेकर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन शायद राम राज्य को अभी पढ़ नहीं पाए हैं मोदी जी और योगी जी। वजह क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, पहले दिन जब से ये घटनाक्रम सामने आया तब से आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। अब तो SIT ने भी बड़ा खुलासा जांच में कर दिया और SEC धाराओं को जोड़ दिया, जिससे ये साफ होता है कि इरादे के साथ साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके बावजूद नहीं हो पा रहा, क्या वजह मानते हैं? देखिए ये सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जो लोग कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है वो उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है, ये बात SIT की रिपोर्ट में साबित हो गई है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी उनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भूमिका की जांच नहीं करवाते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि ये लोग स्वयं कानून के खिलाफ बैठकर कानून के खिलाफ काम करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। आप देखिए ये कौन उस वीडियो को देखकर प्रथम दृष्टया नहीं समझ रहा था कि निश्चित रूप से ये इन्हीं लोगों के संरक्षण में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनको कुचला गया है, चार किसानों को मारा गया है। जी उमाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में फोन लाइन पर थे और इनका ये कहना है कि सरकार की श्रेय में ये हो रहा है और अजय मिश्र टेनी जो हैं वो अपना संतुलन खो बैठे हैं, ये गंभीर आरोप भी लगाए। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर हैं। कीर्ति जी जाना चाहेंगे आपसे, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम जो विजुअल दिखा रहे हैं लखीमपुर के हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जो हैं वो पत्रकारों पर भड़कते नजर आए, चूंकि पत्रकारों ने उनके बेटे से संबंधित सवाल SIT से जो नया खुलासा हुआ उससे संबंधित पूछ लिया, न सिर्फ बदसलूकी की पत्रकारों से बल्कि हाथ उठाने की कोशिश भी की। कीर्ति जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक बात विपक्ष शुरू से कह रहा था, लगातार इस बात को हम लोगों ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके से कार्रवाई किया गया और ये किया क्योंकि उनके पिता एडी जी जो गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा इसलिए इस तरीके की हरकत एक रणनीति के तहत किया क्योंकि उसको भरोसा था कि उसके पिता गृह राज्य मंत्री है और उसको बचा लेंगे, और लगातार उसको बचाने का प्रयास जो हुआ विपक्ष के दबाव में, किसानों के दबाव के आगे कार्रवाई शुरू हुई और SIT ने उसी का खुलासा किया जो हम लोग लगातार करते आए हैं, इसमें उनकी साजिश है। अब भी जो पत्रकारों से बदसलूकी कर रहे हैं वो सत्ता का पावर के नाते कर रहे हैं। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उनके बेटे के मामले में जो कार्रवाई हो रही है इस सब के पीछे कहीं ना कहीं टेनी जी का हाथ है और टेनी जी का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन न जाने क्या कारण है कि गृह राज्य मंत्री को भारत सरकार के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार बचाने में लगे हैं, ये बात समझ के परे है।
और समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इस मांग को उठाने का काम कर रही है कि उनका इस्तीफा तत्काल कराया जाए। जी कीर्ति जी, बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि उनके बेटे ने वो कृत्य इसलिए किया क्योंकि उनको उसको ये यकीन था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे गंभीर जैसे विषय पद पर बैठे हुए उनके पिता को संरक्षण उन्हें मिलेगा। यही वजह है कि उनका इस तरह से अब व्यवहार देखने को मिल रहा है। अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं और प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या रिएक्शन है आपका? अभिषेक सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो अभिषेक जी तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई, फोन कट गया, लेकिन कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम है, अजय मिश्र टैनी को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इनके सुपुत्र पर लखीमपुर खीरी कांड में गंभीर आरोप लगे हैं। एसआईटी ने हाल ही में जांच में एक और बड़ा खुलासा किया, इसके बाद और कहीं ना कहीं शिकंजा इनके बेटे पर कसता नजर आ रहा है। इसी को लेकर पत्रकारों ने इनसे जानने की कोशिश की थी, उल्टे ये पत्रकारों पर ही भड़क गए, बदसलूकी भी उनके साथ की, हाथापाई करने की कोशिश भी की। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको मार रहे हैं, अजय मिश्र टैनी को दिल्ली तलब किया गया है। ये इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अजय मिश्र टैनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी को दिल्ली तलब किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को शाम तक दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि उनकी छुट्टी हो सकती है मंत्रिमंडल से, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि एसआईटी की जो अब की जांच में चीजें निकल के सामने आई, एसआईटी ने जो तीन प्रमुख धाराओं के तहत अब केस दर्ज किया है लखीमपुर खीरी कांड में, उसके बाद यह माना जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी का बहुत समय तक इस पद पर बने रहना शायद सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि अजय मिश्र टैनी को दिल्ली तलब किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी का इस्तीफा हो सकता है, इसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री को बचाने पे लगी थी वो तो एक पहली एक पार्ट था, लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है कि अजय टैनी ने पत्रकारों से बदतमीजी करी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कैसे बदतमीजी करी, ये एक दूसरा पहलू है। आप कल्पना करके देखो, जो गृह राज्य मंत्री आरोप लगने के बाद इस तरह वोकल होके पत्रकारों से, अंगरक्षक उसके बदतमीजी कर रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहा, तो आप सोचो उस घटना से, उन आरोपों से, उस FIR से, वो 120B से पहले उसके तेवर क्या रहे होंगे और क्या नहीं कर गुजरा होगा। खैर, वो सारी विवेचना में चीजें आ गई हैं। अब मोदी सरकार को ये बताना पड़ेगा, देश को ये मैसेज देना पड़ेगा कि मोदी जी और योगी जी जो माफिया राज की बात करते हैं, जिसको खत्म करने की बात,